तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंफ्लामेटरी बॉबल डिसीज़। तो इसमें मैं मेनली पूछ दोनों क्रॉन्स और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके बीच में डिफरेंस पूछते हैं, ठीक है। तो अपन पहले इंफ्लामेटरी बॉबल डिसीज के बारे में देखते हैं। तो क्या होती है, इट इज़ अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ अननोन ओरिजिन, इसका कोई मतलब अननोन ओरिजिन है, और विच रिजल्ट फ्रॉम एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू नॉर्मल फ्लोरा ऑफ गट एंड सेल्फ एंटीजन। तो ये एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स के कारण होता है, किसके खिलाफ, अपना जो गट का फ्लोरा है, सेल्फ एंटीजन है जो नॉर्मल कमेंसल हो उसके लिए, ठीक है। पैथोजेनेसिस में क्या है, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी और इम्यून डिसरेगुलेशन किसी की वजह से हो सकता है, जैसे कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या, जो IBD है वो HLA से लिंक हो सकती है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में HLA-DRB1 और HLA-DR7, ठीक है, और क्रॉन्स डिजीज में जबकि HLA-DQ4। ये थोड़े नाम याद करना थोड़ा टफ है पर कर लेना। फिर नॉन HLA टाइप्स में NOD2 जीन और म्यूटेंट फॉर्म ऑफ IL-23, ठीक है। बस इतने नाम बुक में काफ़ी नाम दिए, बस ये चार नाम याद कर लो। फिर IL-23 प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ IL-17, ठीक है, बाय टी सेल विच कॉज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है। जो IL-23 है ना वो IL-17 को, IL-17 को निकलवाता है टी सेल से, जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करवाएगा, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन देखें, इम्यून रिएक्शन में बी डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन ऑफ द इंटेस्टाइन। तो जो सेल्फ एंटीजन इंटेस्टाइन का जो कॉमेंसल बैक्टीरिया है उसके खिलाफ क्या हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। प्राइमरी डैमेजिंग सेल अपीयर टू बी CD4+ टी सेल। तो ये अपन को CD4+ या टी सेल जो है वो जो है मेनली रिस्पॉन्स देने में काम करेंगे। तो अपन देखते हैं फ्लो चार्ट से समझते कैसे, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड या फिर डिफेक्ट इन द रेगुलेटरी इम्यून सप्रेशन। तो या फिर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है, या फिर इनमें से कोई जीन में डिफेक्ट है, ठीक है, या फिर ये क्या बोलते हैं, इनमें इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में दिक्कत है, कि मतलब कुछ पहले से ही रेगुलेशन जो इम्यून सिस्टम का वो दिक्कत गड़बड़ है। तो एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू कॉमेंसल बैक्टीरिया विद इन गट एंड लिवर, तो उसके लिए एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, फिर जो कि CD4 सेल को एक्टिवेट कर देंगे लैमिनोप्रोपिया के, और वो क्या करेंगे, साइटोकाइन रिलीज करेंगे। तो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट हो, इन्फ्लेमेटरी एजेंट हो, उनमें डिसबैलेंस हो जाएगा, तो इन्फ्लेमेटरी एजेंट ज़्यादा निकलेंगे जिस वजह से अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और ये अपनी क्या हो जाएगी, ये डिसीज़ हो जाएगी, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज़, ठीक है। फिर ये दो टाइप की है, अभी दो टाइप बाद में डिस्कस करें, पहले पैथोजेनेसिस से देखते हैं। पैथोजेनेसिस से देखो डायग्राम से ही समझाऊंगा, तो जो डायग्राम में मैं बोलता जाता हूँ वो लिख लेना। सबसे पहले ये बैक्टीरिया है या फिर कोई भी जो एंटीजन है वो आएगा, ठीक है। वो सबसे पहले एंटीजन किससे चिपकता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से, डेंड्राइटिक से, ठीक है, अपन ने देखा था अपने हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह में। फिर वो किसको एक्टिवेट करेगा, CD4 T सेल को, ठीक है। CD4 T सेल को एक्टिवेट किया, फिर उससे कुछ सब्सटेंस निकलेगी, सबसे पहले TH1 निकला, TH1 सेल निकले, तो TH1 क्या करेगा, एक तो इंटरफेरॉन गामा निकलवाएगा जो मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा, और एक TNF निकलता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो ये दोनों क्या करेंगे, फाइनली परमेबिलिटी बढ़ा देंगे एपिथेलियल सेल की, परमेबिलिटी बढ़ेगी एपिथेलियल सेल की, तो और ज़्यादा बैक्टीरियल कंपोनेंट आएंगे, तो और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। फिर ये CD4 T सेल है वो TH2 को एक्टिवेट करता है, इंटरल्यूकिन-30 निकलता है, ये भी परमेबिलिटी बढ़वाता है। फिर CD4 जो सेल है वो TH17 को स्टिमुलेट करेगा, उससे इंटरल्यूकिन-17 निकलेगा, वो न्यूट्रोफिल का रिक्रूटमेंट कराएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके इन्फ्लेमेशन की पूरी रिएक्शन होती है, ये वाली इसकी पैथोजेनेसिस है, कि कुल मिला के ये परमेबिलिटी बढ़ा रहा है, जैसे कि और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर इट इज़ अपन डिस्कस करते हैं क्रॉनिक और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। अपन इसको डिफरेंस के फॉर्म में करेंगे, सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं। तो जो क्रॉनिक है, इट इज सीवियर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज विच अफेक्ट मेनली टर्मिनल इलियम, इलियोसिकल वॉल और कोलन, ठीक है। तो जो क्रॉन्स डिजीज है, इलियम, इलियोसिकल वॉल और कोलन में होती है, ठीक है। तो मैंने इस पेज में एक एक शब्द लिखे हैं, सबके जो जो मेन मेन शब्द हैं उसको एक एक लाइन फैला के लिख देना, तो एक पेज करियर बन जाएगा। ट्रांसम्यूरल होती है, तीनों लेयर इन्वॉल्व करेगी, इसमें नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है, फिजरिंग विथ फिस्टुला फॉर्मेशन देखेगा अपन को, जो मेजर इसका पीक आता है 20 से 30 साल में मिलता है, ठीक है। इसमें क्या क्या देखेगा अपन, क्लिनिकल सिम्टम, रिकरेंट एपिसोड ऑफ डायरिया, क्रैम्स, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और फीवर देखेगा, ठीक है। ये इसके वो हो जाएंगे क्या क्लिनिकल फीचर है, माल एब्जॉर्प्शन और फिस्टुला फॉर्मेशन भी देखेगा, ठीक है। तो इतना है क्रॉन्स डिसीज में। फिर उसके बाद क्या, इसकी इंटेस्टाइन कैसे देखेगी, इंटेस्टाइन वॉल रबरी थिक ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा। तो जो इसकी इंटेस्टाइन वॉल है ना, वो देखो ऐसे रबरी हो जाएगी, और इसमें क्या बोलते हैं अपन को, अल्सर्स देखेंगे। और ये क्यों हो रही है रबरी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन और एडिमा हो रहा है। ल्यूमेन इज नैरो, ल्यूमेन भी नैरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो इन्फ्लेमेशन हो गया, म्यूकोसल अल्सर हो गए, तो जो उसकी ल्यूमेन है वो जो है वो कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो इंटेस्टाइनल वॉल है ना उसकी थिकनेस बढ़ गई है, ठीक है। इसमें अपन को एस्केप लीजन देखेगी, एस्केप लीजन से मतलब क्या है कि देखो ये लीजन डिफ्यूज है, अलग अलग जगह पे है ना, किसी एक जगह कंटिन्यूस नहीं है, अलग अलग जगह, तो इसके लीजन देखेंगे। फिर कॉबल स्टोन अपीयरेंस, कॉबल स्टोन अपीयरेंस मतलब ये ईट जैसे स्ट्रक्चर दिखते, दीवारों की जो ईट दिखती ना बाहर से, तो कॉबल स्टोन अपीयरेंस देखेगी अपन को, ठीक है। तो ये जो मैंने एक एक शब्दों में लिखा हुआ है, तो अपने एक एक लाइन में लिख लेना आगे करके। फिर नेक्स्ट आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस वही, इट इज सीवियर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज विच इज लिमिटेड टू द कोलन, कोलन में होती है, ओनली इन्वॉल्व म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। ये ट्रांसम्यूरल थी, ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को इन्वॉल्व करती है। इसके जो मेजर पीक है 20-25 ईयर्स में आते हैं, जो इसका प्रोग्रेशन है वो रेट्रोग्रेड एंड कंटिन्यूस लीजन होते हैं। इसमें थे स्किप लीजन, इसमें थे कंटिन्यूस लीजन।
इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व फ्यू सेंटीमीटर ऑफ ईलियम कॉल्ड, मेनली तो कॉलन को कर रही है पर कुछ पीछे वाली जो ईलियम है उसको इन्वॉल्व कर ले तो उसको बोलते हैं बैक वॉश इलियाइटिस। ठीक है, स्यूडोपॉलिप्स देखेंगे इसमें, क्रिप्टैप्सिस, इसमें फिस्टुला फॉर्मेशन होती है, इसमें क्रिप्टैप्सिस होता है। ठीक है, म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन होगा, कॉम्प्लिकेशन में टॉक्सिक मेगाकोलन, ब्लीडिंग, परफोरेशन। ठीक है, तो एक एक शब्द ये नोट कर लेना, फिर उसके बाद सेंटेंस बना लेना। ठीक है, तो इससे आसान हो जाएगा याद करने में। फिर देखो यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है कि इसमें फिस्टुला फॉर्मेशन कैसे, यहाँ पर डीप फिस्टुला हो जाएगी और नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा। ये क्रॉन्स डिजीज के दो फीचर हैं, एक तो नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा और डीप फिसर। ठीक है, और ये इसके प्लीजन तो है ही, और कॉबल स्टोन बता दिया, और ये रबरी दिखेगी। फिर ये जो अपन ना क्या था, अल्सरेटिव कोलाइटिस में अपन को क्रिप्ट एब्सिस दिखेगी, क्रिप्ट, ये क्रिप्ट दिख रहे हैं। ठीक है, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंस लिखने को आ जाए तो डिफरेंस एकदम बिल्कुल। ग्रॉस फीचर में बोवल रीजन इफेक्टेड कौन सा इफेक्ट होगा, इलियम समटाइम्स कॉलन, इसमें सिर्फ कॉलन रहता है। ठीक है, इलियम इलियोसिकल वॉल भी सब भी था। पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसमें स्किप लीजन होगा, इसमें डिफ्यूज एंड कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट, इसमें कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट रहता है जबकि इसमें स्किप लीजन थोड़ी थोड़ी जगह पर होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इसमें अर्ली और इसमें लेट होता है, तो स्ट्रक्चर मतलब नैरोइंग, नैरोइंग अब इसमें पहले दिखेगी, क्रॉन्स डिजीज में लेट दिखेगी। फिर इंटेस्टाइनल वॉल जो है इसमें थिक हो जाती है, इसमें थिन नहीं रहती है ना, थिक बताया था इसमें थिक हो गई थी इंटेस्टाइनल वॉल, इसलिए नैरो ल्यूमेन हो गई थी। ठीक है, ल्यूमेन नैरो हो गई थी। फिर इंटेस्टाइनल डायलेशन इसमें नहीं दिखेगा और इसमें दिखेगा, डायलेशन कैसे दिख सकता है क्योंकि ल्यूमेन जो है नैरो है। प्रोग्रेशन इसका एंट्रोग्रेड है, इसका रेट्रोग्रेड है। ठीक है, एक्सटेंट क्या होता है, इन्वॉल्व एंटायर थिकनेस, तो ट्रांसम्यूरल है और ये सिर्फ दो लेयर को करती है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को। ठीक है, तो ये तो ग्रॉस फीचर में डिफरेंस होगा, ये याद करने हैं। फिर आते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर, जो अल्सर है वो डीप लीनियर होता है, ये सुपरफिशियल है, जो इसके अल्सर हैं वो डीप रहेंगे और इसके सुपरफिशियल रहेंगे। स्यूडोपॉलिप सिर्फ किस में मिल रही थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस में मिल रही थी। ठीक है, फिस्टुला और साइनस इसमें मिल रही थी, क्रॉन्स डिसीज में। ग्रैनुलोमा जो था वो नॉन केजेटिंग टाइप था इसमें, और इसमें एबसेंट था। ठीक है, तो फिर ये डायग्राम, ये वाला तो मैंने पेंसिल से बनाया, ये अपना ये वाला डायग्राम बना देना। ठीक है, तो इसमें एक तो डीप फिसर बनाना है और एक नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमा बनाना है, ये लेयर्स बना देना पूरी इंटेस्टाइन की, म्यूकोसल लेयर है, ये मसल लेयर है और ये ऊपर वाली लेयर्स हो गई। ठीक है, तो ये बना देना अपना इसमें क्रॉन्स डिसीज में, और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस भी बनाना है। क्रिप्ट फॉर्मेशन करना, एक तो अल्सरेशन कर देना म्यूकोसा का, है ना, और ये सब म्यूकोस म्यूसिन डिप्लीशन वगैरह बना देना, तो दो तीन फीचर्स कम से कम दिख जाए उसके, है ना, बस ऐसे बना देना, तो ये डायग्राम याद कर लेना। फिर अब क्या आता है, क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में क्या है कि फैट एंड विटामिन माल एब्जॉर्प्शन सबसे पहले इसमें क्रॉनिक में क्रॉन्स डिजीज में दिखता है, इसमें नहीं दिखता। मैलिग्नेंट पोटेंशियल इसमें कम होता है क्रॉन्स में, जबकि इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा होता है। रिस्पॉन्स टू सर्जरी, ये मैलिग्नेंट पोटेंशियल जिसमें ज़्यादा है जबकि इसका रिस्पॉन्स ऑफ सर्जरी उल्टा है, जैसे कि इसमें पुअर है रिस्पॉन्स टू सर्जरी, इसमें अच्छा गुड है ना। अब इसमें पुअर क्यों रिस्पॉन्स टू सर्जरी, क्योंकि इसके लीजन होते हैं बहुत दूर दूर लीजन है, इसमें एक ही लीजन है, पूरा सेगमेंट हटा के अपन वापस से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर क्लिनिकल फीचर और क्या, माइल्ड डायरिया, फीवर और एब्डोमिनल पेन देखेगा इसमें क्रॉन्स डिजीज में, जबकि इसमें ब्लडी डायरिया, लोअर एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्स देखेंगे। ठीक है, फिर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, इसमें आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, माल एब्जॉर्प्शन, फिस्टुला फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा देखेगा क्रॉन्स डिजीज में, जबकि अपने अल्सरेटिव कोलाइटिस में टॉक्सिक मेगाकोलन, कोलोरेक्टल कैंसर, हेमरेज, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस, ये सब देखेगा। तो इसमें दोनों चीज़ों की डिफरेंस भी हो गए, एक एक कोई अगर क्रॉन्स डिसीज पूछ लेगा तो भी कर लेंगे। तो बस इतना याद रखना, मैंने इसमें एक एक शब्द लिखा, जैसे ट्रांसम्यूरल लिखा, इसमें पूरा सेंटेंस बना लेना कि इट इन्वॉल्व ऑल द थ्री लेयर्स ऑफ इंटेस्टाइन, तो ट्रांसम्यूरल बोलते इसको। ठीक है, तो इतना कर लेना, बाकी मैंने इसमें शॉर्ट में करने की कोशिश करी है। थैंक यू।